तो हम दोनों को इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कौन किसको फॉलो कर रहा है कौन किसको नहीं। भाई मुझे राजस्थान अजमेर वगैरह से देख रहे हैं अपना आ रहे हैं। फैमिली ऐसे नहीं चाहिए जो मुझे बोले कि भैया हम उसकी वजह से आपको देखते हैं इसकी वजह से आप। वेरी गुड आफ्टरनून मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी बिग फैम। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अपने घर में स्वस्थ मस्त होंगे। कैसा जा रहा है यार मेरे सारे भाई लोगों का। आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे कि अपन जा रहे हैं कावासाकी वेस्ट दिल्ली, क्योंकि हमारे पास आ चुके हैं फुट पैक्स और बैक सीट एज वेल। तो हम जा रहे हैं वो दोनों चीज़ें लगवाने कावासाकी वेस्ट दिल्ली या फिर पिट स्टॉप, देखते हैं कौन लगाएगा। तो कैसा जा रहा है यार मेरे सारे भाई लोगों का बताओ। वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दिया करो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। बस आज ये सीट लगवा के हम कल सुबह निकल जाएंगे जयपुर अजमेर राजस्थान एंड ऑल। तो आ रहे हैं गाइस, तो मेरे जितने भाई मुझे राजस्थान अजमेर वगैरह से देख रहे हैं तो बी रेडी अपन आ रहे हैं। नहीं, ये यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं कि इसको फॉलो कर लो, आमिर को फॉलो कर लो। अपन फ्रेंड्स हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता हम कौन किसको फॉलो कर रहा कौन किसको नहीं, वी डोंट केयर। तो हम दोनों को इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कौन किसको फॉलो कर रहा कौन किसको नहीं, ठीक है, क्योंकि अपनी फ्रेंडशिप वैसी ही नहीं है। बाकी अगर आप बोल रहे हो मेरी लड़ाई हो गई है तो बोलने वाले तो बड़ा कुछ बोलते हैं गाइस, उनका काम है बोलने वालों का, बोलते रहो। अपन मस्ती मस्ती में चलेंगे, ज़्यादा बकरबाजी तो क्या, अपन आपको पता ओवर स्पीडिंग जहाँ जगह मिलेगी वहाँ भगाएंगे, जहाँ नहीं मिली वहाँ चल मारेंगे, ठीक है। बाकी अगर वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दिया करो। आपके भाई ने डाल दिया क्रूज कंट्रोल पे, मज़े ले रहा फुल पावर। ये भाई कहीं से खेल के आ रहा भाई, ओहो ये तो सब टेनिस वाले भाई टेनिस खेल के आ रहे हैं भाई सारे। भाई आजकल बड़ा ड्रामा चल रहा है यूट्यूब पे, मैं देख रहा हूँ लोग कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे शरारती तत्वों से बचो गाइस, समझ रहे हो ना किन की बात कर रहा हूँ। बाकी अपने चिल मारना चाहिए, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है यार। बहुत सारे मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं कि हम भैया उसकी वजह से आपको देखते थे, तो मत देखो यार, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप मुझे देखो, आपने देखना देखो, नहीं देखना नहीं देखो, बट किसी की वजह से मत देखो यार, किसी की वजह से मुझे मत देखो एटलीस्ट। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी फैमिली ऐसे नहीं चाहिए जो मुझे बोले कि भैया हम उसकी वजह से आपको देखते हैं इसकी वजह से आपको देखते हैं। मत देखो, अनसब्सक्राइब, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। अपन ऐसे ही रहेंगे भाई, हमें किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माता रानी ने बोध दिया, हमने अपने दम पे कमाया, ना कि यूट्यूब पे, ना कि नेगेटिविटी फैला के। और हमने ये घोस्ट अपनी मेहनत की कमाई से लिया है, यूट्यूब ने नहीं लेके दिया हमें घोस्ट। इनका काम है लोगों को उकसाना, नेगेटिव पब्लिसिटी करना। लेकिन कैसी कैसी दुनिया है ना गाइस, एक बात बताओ सच में, छोटा क्रिएटर जो होगा ना उसको सब पूछेंगे तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने फॉलो कर लिया, तूने अनफॉलो कर लिया। अब मैंने देख लिया भाई, सच में बता रहा हूँ गाइस, जो मेरे कोर फैमिली मेंबर है ना वो मेरे कोर फैमिली मेंबर रहेंगे। तो थोड़े दिन पहले एक बंदा धमकी दे रहा था, भाई फॉलो कर ले नहीं तो तुझे अनसब्सक्राइब कर दूंगा। कर दे भाई, जो कल करना वो अभी कर, मेरे हिसाब से अभी अनफॉलो कर दे, आई डोंट गिव अ फक बाबा। अपन ऐसी लाइफ जीते आए हैं भाई, तुम जैसे कई आए कई चले गए भाई। मैं जब से ये सुपर बाइक चला रहा हूँ ना, जब से मैं ग्रुप्स पे राइड कर रहा हूँ ना, तब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो भाई साहब एक मैच्योरिटी लेवल नाम की चीज़ होती है, वो हमें है भाई। कुछ लोग मतलब व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल देते हैं यार। अरे जो ये बातें कर रहे हैं भाई, मुझे नहीं लगता उनकी उम्र उस टाइम 2-3 साल 4 साल 5 साल से ज़्यादा होगी। जिन लोगों ने मेरा उस टाइम साथ दिया ना, वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। गाइस आपने अपनी स्टोरी देखी अपने भाई की, मतलब 9 मिलियन रीच है हमारी अकाउंट की, 9 मिलियन रीच है लास्ट 30 डेज़। और फॉलो कितने लोगों ने करा है,
समवेयर अराउंड 29,000, 9 मिलियन में से 29,000 लोगों ने फॉलो करा। अपने पास वैसी गंदगी नहीं है, क्योंकि आजकल गंदगी बिकती है। कोई कहता है मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, कोई कहता है ये हो गया, कोई कहता है क्यूट गर्ल, कोई कहता है ये ड्रामा, कोई कहता है वो ड्रामा। भाई अपने पास वो गंदगी नहीं है। चलो पहुंच गया था 100। क्या है ये पहले गियर पे ही? क्या बात है गाइस, तो अपन पहुंच चुके हैं पिट स्टॉप। ये रहा पिट स्टॉप का आइकॉनिक ब्रांड, और ये खड़ी है अपनी सिक्सा। बहुत प्यारी मशीन है यार गाइस, देख रहे हो पे ना हम भी बना हुआ है कुछ आता है। और ये देखो फुल सिस्टम के साथ आती है, ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट लगा फुल सिस्टम। बहुत लाउड है गाइस, ये भी बहुत लाउड। गाइस देखो अपने फुट पैक्स लग रहे हैं, फुट पैक्स की सेटिंग हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से सेटिंग हुई यार फुट पैक्स की। अभी सिमरन लगा रहा है फुट पैक्स, देख रहे हो आप, अभी भी हेल्प कर रहा है। क्योंकि सीट तो है, लेकिन जब तक फुट पैक नहीं होंगे तो पीछे कोई बैठेगा कैसे। फुट पैक लगाने बहुत ज़रूरी है गाइस। तो सिमरन कितने प्यार से काम कर रहा है। क्या हाल है सिमरन, बढ़िया हो? हाँ थम्स अप करो फिर। फक यू टू सिमरन। गाइस अपन पिट स्टॉप खड़े ही थे और मुझे ना बड़ा बड़ा क्यूट सा फैन मिल गया, और उससे भी ज़्यादा चीज़ देख रहे हो, मतलब जो भाई ने साइकिल बना रखा है। पहले नाम क्या है आपका? भाई ये जो जितने भी शान है ना इस दुनिया में, वही ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हैं। बाकी किसी के जी में भी दम नहीं है ऐसी चीज़ें करने का, समझ रहे हो। जितने भी ईशान है वो इसी उम्र से शुरू हो जाते हैं। तो जितने आजकल नए नए राइडर है ना भाई, समझ जाओ ईशान जो नाम है ना वो इसी उम्र से शुरू हो जाता है। ये देख रहे हो भाई का साइकिल, साइकिल में एग्जॉस्ट सिस्टम, कम्स विद SC प्रोजेक्ट। भाई आवाज़ कैसी होगी इसकी, आवाज़ करके दिखा। ये देखो गाइस अभी आवाज़ सुनना यार, आवाज़ सुनो आवाज़। भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हो आप, वो मज़ा आ गया ईशान, क्या बात है यार। अरे भी भाई मिले हैं मुझे, हाय क्या हाल है आपका। हाँ वीडियोस देख रहे हो, फुल सपोर्ट है, हाँ थम्स अप कर दो फिर, क्या बात है यार। तो चलो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं वेस्ट दिल्ली कावासाकी। वो लग रहे हैं अपने फुट पैक्स, सिमरन ने ऊपर कोशिश की तो थी लेकिन नहीं लगे इससे। तो गाइस ये खड़ा पुराना ZX-9R, अभी इसका ना एग्जॉस्ट ऑन करके SC की आवाज़ सुनते हैं, बिकॉज हम मैं तो पता कर SC में और एरो में भाई साहब आवाज़ थोड़ी तो आवाज है। प्रॉपर बैक पैक मार्केट अभी देखो, कल परसों में हमारा भी एग्जॉस्ट लग जाएगा। कौन सा हमारा, कौन सा लगेगा हमारा? जहाँ तक मुझे आइडिया है इधर SC है, इधर एरो है, लेफ्ट वाला ही है। लेफ्ट वाला ही है हमारा, हमने ऑप्शन लेफ्ट वाला ही रखा है, और देखते हैं चलो क्या अच्छे ऑप्शन है। तो चलो गाइस अपन निकल रहे हैं यहाँ से, घर जाके आपको दिखाते हैं कि हमने आज क्या लिया है, और टोटल ओवरऑल शॉपिंग दिखाते हैं आपको, ठीक है? नहीं ठीक है गाइस, ये देख रहे हो। चलो निकल रहे हैं, मिल लो जिसने जिसने मिलना है। अब हफ्ते के बाद आऊँगा बाय। तो गाइस फाइनली अपनी सीट पे, अपनी बाइक पे सीट लग चुकी है, और अच्छी रही राइड गाइस, संडे राइड इज फन। बाकी यार वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे जितने भी जयपुर वाले भाई हैं, रेडी रहो, जयपुर अजमेर पुष्कर आ रहे हैं हम, बढ़िया बढ़िया वहाँ पे मिलेंगे सारे। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल ये नीचे आ रहा गाइस, फॉलो कर लो, उस पर आपको मेरी लाइव अपडेट्स मिल जाएंगी कि कहाँ हूँ कहाँ रुका हूँ। तो जो जो मेरा भाई मेरे से मिलना चाहता है वो आ सकता भाई, बट हाँ लाइव इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालता रहता हूँ मैं कहाँ हूँ, तो आप वहाँ से स्टोरीज देख के आ सकते हो यार मिलने, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ऐसे ऐसे भाई हैं ना, मैं जिस दिन जम्मू से निकल रहा था, एक मेरा बहुत प्यारा भाई है जिसने मुझे एक फ़ोटो फ्रेम भी गिफ्ट करा था, जिस दिन मैं जम्मू से निकल रहा था भाई वो लिटरली रो पड़ा कि भैया आप जा रहे हो, ये प्यार कमाया आपके भाई ने। उनको पता है कि मैं राइड पे जा रहा हूँ, बट फिर भी वो भाई रो दिया। अपन अपने भाइयों को अपना प्यार हमें मिल रहा है उतना ही काफ़ी है भाई, कब मिले लेकिन सच्चा प्यार मिले वो मेन चीज़ होती है।
किसी के चक्कर में आप व्यूज़ तो दे देते हो, व्यूज़ तो कमा लेते हो, लेकिन आप प्यार नहीं कमाते। आप किसी की वजह से बोलते हो जी हम इसकी वजह से देख रहे हैं, उसकी वजह से देख रहे हैं, वो प्यार नहीं है ना गाइस। भाई साहब दिल्ली तरक्कियों पे आए, देख रहे हो फीमेल राइडर्स भी देखने को मिल रही हैं, जो कि अच्छी बात है यार। गुड जॉब मैम, गुड जॉब, गुड जॉब। फीमेल राइडर्स भी देखने को मिल रही हैं, क्या बात है यार। फीमेल राइडर्स को देख के मनोबल बढ़ जाता है ना, कि लड़कियां भी अच्छा कर रही हैं। एक कोई राइडर गर्ल देखते हो ना तो अच्छा लगता है। ये रहा 24/7, कॉफ़ी पीते हैं और निकलते हैं फिर घर की तरफ। तो चलो गाइस निकल चुके हैं अभी यहाँ से घर की तरफ, बैटरी भी लो होने वाली है GoPro की गाइस। थैंक यू सो मच भैया, भैया ने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, आप भी कर लो यार, सारे जाके सपोर्ट करो, लाइक करो भाई, करो भी सपोर्ट करो, लाइक करो। देख लो भैया भी बोल रहे हैं आप तो कर दो यार, है ना। तो चलो गाइस बैटरी कर ली है हमने चेंज, GoPro की हो गई है 100%, अभी निकल रहे हैं। लेकिन देखो यार घोस्ट लग क्या रहा है भाई। संडे जो है ना दिल्ली गुड़गांव में इज़ वेरी हैपनिंग गाइस, मतलब स्पेशली फॉर बाइकर्स। सुबह सुबह ये जो वहाँ मैं खड़ा हुआ था 24/7 पे, भाई साहब ये मीटिंग पॉइंट होता है जब मैं ग्रुप राइड करता होता था दिल्ली में, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अभी भी। वो देखो सामने से हार्लेस जा रहे हैं, क्योंकि यही रोड जाता है मानेसर टोल प्लाजा, जिसपे मतलब बाइकर्स के लिए वो जन्नत है रोड गाइस, भगाने के लिए। तो यही रोड जाता है तो सबका मीटिंग पॉइंट यही होता है, यहाँ सब सारे भाई मिल जाते हैं। मैं बोलूँ तो मैं 2012, 13, 14, 15, 13 से लेके 15 तक कंटिन्यू संडे राइडिंग करी हुई है मैंने। टाइम पे मेरे पास डेटोना 675 भी थी, फिर मैंने बीच में एक बनेली भी ली थी, लेकिन वही है हमारा ग्रुप अलग अलग हो गया। मोस्टली मेरे फ्रेंड्स कुछ लंदन, कुछ US चले गए हैं, कुछ लंदन चले गए हैं, मतलब सारे स्प्लिट हो गए। इधर क्या सीन हो गया भाई, ओवर स्पीडिंग चलान, पीछे की गाड़ी लगी थी ना और यहाँ ओवर स्पीडिंग के चलान हो रहे हैं, देख रहे हो आप। तो चलो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहाँ ही एंड, ऑलमोस्ट घर पहुँच चुका हूँ मैं। और भाई साहब हद से ज़्यादा गर्मी हो गया दिल्ली। कोई मेरा भाई अगर मुझे जयपुर से देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ वहाँ कैसा मौसम है, बारिश बुरिश तो नहीं है, क्योंकि अपन आ रहे हैं राइड पे, हम नहीं चाहते बारिश और दिक्कत हो जाए। तो चलो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहाँ ही एंड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी ऑफ, सायोनारा गाइस। एंड यू गाइस नो द ड्रिल, क्या करना है, घर वालों से प्यार, माँ बाप की सेवा, बड़ों से प्यार, छोटों से प्यार, और अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है, कर लो यार, कर लो कर लो। जो जो हमें प्यार करता है, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना आपको मेरी, तो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब यार। आप सपोर्ट करोगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे, आगे और बाइक्स ले पाएंगे। अभी हमें 100K पे एक बाइक पसंद आई हुई है, वो लेनी है 100K पे गाइस। 2H2 तो है ही है, बट उससे पहले पहले मुझे वो लेनी है और वो सेकंड इन इंडिया बनानी है, बिकॉज फर्स्ट इन इंडिया जो है वो मेरे भाई के पास है, इकलौती बाइक पूरे इंडिया में वैसी बनी हुई, वैसी हमें बनानी है। तो प्लीज़ करवाओ यार 100K करवाओ फटाफट, हमारा भी सिल्वर प्ले बटन आए, और कुछ लोगों की जल रही है उनकी और जलानी है गाइस। तो फुल पावर शेयर करा करो, सपोर्ट करो भाई को। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।